The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Discussion hamara chal raha tha already. Cholecystectomy ka. Cholecystectomy. Uske humne benefits aur risk factors samajh liye hain aur एक्सपेक्टेशंस या ऑपरेशन कैसे होता है, दैट्स अंडरस्टैंड. सो सर्जरी में हमने जैसे बताया, एक तो होता है लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, एक होता है ओपन कोलेसिस्टेक्टॉमी. और जिनको पेन नहीं होता है उनका फिर ऑब्जर्व किया जाता है विदाउट ऑपरेशन, राइट. सो विदाउट ऑपरेशन क्या क्या किया जाता है, एक्सरसाइज बढ़ाई जाती है, इंक्रीज एक्सरसाइज, 2 से 3 घंटे आपको हर हफ्ते एक्सरसाइज करनी है जिससे आपके गॉल स्टोन बढ़ने या गॉल स्टोन होने के रिस्क कम हो जाते हैं. मान लो कोलेसिस्टाइटिस है तो भी वही करेंगे. आपको फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा खाने हैं और ऐसे फूड जिसमें शुगर ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, डोनट, पेस्ट्री, पास्ता, वाइट ब्रेड, ये सब कम खाना है. और उसके अलावा बहुत सारी सर्जन से रेगुलरली विजिट करता रहना, कीप इट इन्वॉल्व, राइट. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि रेगुलरली चेकअप होता रहे, राइट. सो बेसिक यही है. और ऑर्सोडियोक्सीकोलिक एसिड हाई फाइबर डाइट खानी है. सर्जरी में जैसे हमने कहा, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में जो सबसे कॉमन यही होता है, क्योंकि छोटे छोटे 2-3 छेद होते हैं, बढ़िया से उसमें 2-3 कभी 4 छेद होते हैं पेट में, पेट फुला के उससे क्या होता है, गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाता है उसके थ्रू. और आपको 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर ऑपरेशन हो जाता है, जल्दी जल्दी छुट्टी भी हो जाती है, ज़्यादा दिन नहीं रहना पड़ता. जब कॉम्प्लिकेटेड केस होता है, लगता है गॉल ब्लैडर में कोई और चीज़ हो सकती है, तो उस केस में ओपन करना पड़ सकता है. ओपन में फिर वो भी 1-2 घंटे में ऑपरेशन हो जाता है. हॉस्पिटल में रहना पड़ता है कुछ दिनों तक और आपको रिस्क समझने पड़ेंगे कि भाई कोई भी प्रकार का ऑपरेशन हो, छोटा हो बड़ा हो, इन्फेक्शन के रिस्क और दूसरी चीज़ें तो होती हैं. बेहोशी इन्वॉल्व होती हैं तो ये देखना होता है पेशेंट कितना फिट है बेहोशी या जो भी उसके लिए. और जिस दिन ऑपरेशन होगा आपको ये समझना है कि आपको फ्लूइड भी चढ़ेंगे, हॉस्पिटल में भी रहोगे, उसके बाद में पेन किलर्स भी चलेगा, कुछ दिन तक दर्द भी रहेगा. और रिकवरी के बाद भी ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया जाएगा, प्रॉपरली आपको न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देना है. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपका, जब भी ऑपरेशन आपका हो गया मान लीजिए, तो मेन चीज़ है कि जो दवा दी गई है उसको प्रॉपरली लिया जाए. उसके बाद में डाइट खाने की, ऑपरेशन के बाद हाई फाइबर डाइट लेनी ज़रूरी है. बीन्स अपना, होल ग्रेन्स, पीस, ड्राई फ्रूट्स, राइट, ब्रोकली, हरी पत्ते वाली सब्जियां, ऐसी चीज़ें खा सकते हैं. ग्रीन वेजिटेबल, नट्स, एप्पल्स, ये सब खा सकते हैं. न्यूट्रिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऐसे में, राइट. और एक्टिविटी आपको कैसा है, स्लोली आपको अपनी एक्टिविटी इंक्रीज करनी है कि आप पहले गेटअप खड़े हों, फिर चलने लगे हर घंटा या हर 2 घंटे में एक बार, ताकि आपका ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, जब भी ऑपरेशन होता है एक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो वहाँ क्या ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं. सो एक्टिविटी रखें अपना. उसके बाद में पानी खूब सारा पीना है, 8 से 10 ग्लासेस, और हाई फाइबर डाइट अच्छे से लेना है. और बॉवल मूव, बहुत ज़्यादा फाइबर एकदम से नहीं, धीरे धीरे बढ़ाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, राइट. घर में हो सकता है आप लैप्रोस्कोपिक अगर ऑपरेशन हुआ है तो हो सकता है एक दिन या अगले दिन आपको छुट्टी हो जाए. सो अगर ओपन हुआ है तो 1-2 दिन 3 दिन जितना भी डॉक्टर को लगेगा उतना दिन वो रख सकते हैं. आप अपने काम पे कब जा पाओगे, अराउंड 1 हफ्ते के बाद, थोड़ा सा हील हो जाए, थोड़ा आपका ताकत वापस आ जाए, मेक श्योर हो जाए कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहा है, उसके बाद आप काम पे जाएं, ज़्यादा बेहतर है, राइट. सो ये सारी चीज़ें हैं. और बॉबल मूवमेंट में कई बार ऑपरेशन के बाद ऐसा लगता है कि कुछ दिनों तक मोशन सही से नहीं आ रहे हैं, कम हो गए हैं, तो कॉन्स्टिपेशन रह सकता है. इसलिए ज़्यादा देर तक आप बैठे ना रहें वहाँ पर. आपका हाई फाइबर डाइट, कई बार ओवर द काउंटर मेडिकेशंस जो आपको दी जाती है कि मोशन सॉफ्टनर, स्टूल सॉफ्टनर्स, वो भी मदद करते हैं. पेन के लिए पेन किलर्स और इन्फेक्शन अवॉइड करने, इन्फेक्शन के लिए या प्रिवेंशन के लिए एंटीबायोटिक्स भी दिए जाएंगे, राइट. तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है, अपने डॉक्टर से इन कॉन्टैक्ट रहना है. कुछ दिनों में आपका रिकवरी हो जाने के बाद में यू विल बी वेरी यू नो पेन नहीं होगा. और कई लोगों को गॉल ब्लैडर निकल जाने के बाद लंबे समय तक
डायरिया रह सकता है। डायरिया क्यों? क्योंकि गॉल ब्लैडर में पित्त गाढ़ा होता है, बाइल, और जब गॉल ब्लैडर निकल जाता है, स्टोरेज फंक्शन और उसका जो वैल्वुलर फंक्शन निकल जाएगा, तो कॉन्स्टेंटली वो बाइल आपके इंटेस्टाइंस में गिरता रहता है। तो ऐसे केस में यू नीड टू हैव फ्रीक्वेंट डाइट, स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर एसिड आ रहा है बिना किसी खाने के लगातार। नॉर्मली पहले ऑपरेशन से पहले जब खाना वहाँ आता था तो एसिड का स्टिमुलस आता था और वो गॉल ब्लैडर उसको सिक्रीट करता था, अब वो डायरेक्ट आ रहा है, लगातार आ रहा है, तो आपको लगातार वहाँ खाना चाहिए। नहीं होगा खाना तो वहाँ वो आपके जो इंटेस्टाइन है उसको थोड़ा थोड़ा सा इरिटेट करेगा। तो ऐसे केस में आपको लगातार हर 3-4 घंटे में, कुछ जो भी खाना आप खाते हो उसको 3-4 घंटे लगते हैं स्टमक से नीचे जाने में, स्लोली 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 स्लोली, तो 3-4 घंटे, 4 घंटे के बाद कुछ खाते रहेंगे, सो यू विल बी गुड, वरना आपको डायरिया हो सकता है कुछ दिन तक, कॉन्स्टिपेशन फिर डायरिया। डायरिया किसी को 2 महीने, किसी को 6 महीने तक भी रह सकता है, उसके लिए उसको हाई फाइबर डाइट, स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट्स या कई बार दवाइयां भी लेनी पड़ती है। तो ये हुई बातचीत दोस्तों कोलेसिस्टेक्टॉमी या गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन या उसके रिमूवल के बारे में। आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिए। ओके।